ये जो हमारे पास अभी SDH में कुछ 5 के करीब पेशेंट्स थे, तो पांचों के पांचों जो है यहाँ से एयरलिफ्ट हो गए हैं फॉर पेरिफेरल हॉस्पिटल्स। उनके साथ कई एक ऐसे जो थे जिनको मजबूरी थी, टोटल कितने जो हैं लोग एयरलिफ्ट किए गए हैं अभी तक? टोटल तो 10 पैसेंजर्स गए, पेशेंट्स को लेके, अटेंडेंट्स को लेके। और जी अभी हमने और एक सॉटी के लिए ये की है डिमांड, तो अगर हो सका तो जो यहाँ भी हैं होंगे जिनकी कोई मजबूरी होगी तो उनको भी एयरलिफ्ट। बीमार किस तरह की नौयत के थे सर? ये एक दो बच्चे थे, कुछ फोर डे ओल्ड एक बच्चा था, कुछ 10 डेज ओल्ड बच्चा था, और एक स्ट्रोक पेशेंट था, तो उसको एयरलिफ्ट किया गया। सर स्नो क्लियरेंस की बात की जाए तो कहाँ काम पहुँचा अभी तक? नहीं, अभी जो ये ताज़ा बर्फबारी है तो अभी जो इंटरनल हमारे रोड्स हैं इस ये हाईवे के बगैर, तो वो सारे जो हैं एज ऑफ नाउ क्लियर हैं। और बाकी बिजली भी बहाल हुई है जी। और स्नो क्लियरेंस जहाँ तक सवाल है हाईवे का, तो अभी एवलेंच वार्निंग 3 चल रही है, जो ही ये डाउनग्रेड हो जाएगी एवलेंच वार्निंग तो इसको भी काम लगाया जाएगा। कई इलाकों में रात को बिजली सप्लाई नहीं थी, गबरा से शिकायत आ रही थी। बिजली सप्लाई चूँकि ये अंडर फॉल्ट थी लाइन, तो कल इसको रेस्टोर किया गया और ये फेज़ वाइज जो है रेस्टोरेशन हुई। एज ऑफ नाउ जो है अभी हमारे सारे इलाके जो है रेस्टोर है। शुक्रिया।